हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ। न्यूज़ ये लेके आया हूँ कि जैसा कि आपको सभी को पता है कि KVS जो PRT और PGT TGT की जो ये कट ऑफ थी, ये लगभग जारी हो चुकी है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है और आपने वहाँ पर देख भी लिया होगा, कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है। और सभी अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थियों ने दिया था, उनके इंटरव्यू का जो जगह है, जो जहाँ जहाँ इंटरव्यू होने थे, वो भी पता चल गया है और इंटरव्यू लेटर ही कुछ दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। तो अब अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल ये बहुत दिनों से चल रहा है कि सर मेरा कट ऑफ इतनी है, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों ऐसा क्या हो गया और मेरा नाम नहीं आया उसमें लेटर में, PDF में क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों। तो इन सब सवालों का जवाब मैं इस जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके माध्यम से लेकर आया हूँ। मैं आज आपको बता देता हूं कि जो कुछ भर्तियां थीं, कुछ सीटें थीं इस भर्ती से, उसमें सीटों की जो संख्या है वो कम कर दी गई। मैं इस आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि ये कैसे हुआ और पहले कितनी थी, अब कितनी सीटें हो गई हैं, ये सब चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें तुरंत और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की करंट न्यूज़ मिला करती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। इसमें जो सीटों की संख्या है लगभग कुछ कम ज़्यादा हुई है, ज़्यादा नहीं कम हुई है, लेकिन लगभग इसमें बढ़ी भी हैं कुछ जगह, जैसे कि सामान्य की 522 है, पिछड़ी जात की 306 है और SC की 167 है, ST की 84 है, टोटल 1,079 यानी कि अब लगभग 1,080 सीटें ये आपकी मतलब बनी है। लगभग ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की लगभग इसमें सीटें बढ़ गई हैं, कुछ कम हुई कुछ बढ़ गई हैं। और इसी तरह जो दूसरी पोस्ट थी, दूसरी पोस्ट जो थी उसमें भी आपका ये देख लीजिए, दूसरी पोस्ट जो थी उसमें भी ये था ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। दूसरी पोस्ट जो TGT की थी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसमें भी जो है क्या कहते हैं सामान्य की 1955, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग थी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ, इन सब चीज़ों की मिला के अलग अलग थी, तो 1955। और OBC की थी 1064, SC की थी 600 और ST की 290 के आसपास। तो ये जो टोटल हैं 3,908, मतलब कि ये सीटें लगभग कुछ बढ़ी हैं इसमें ज़्यादा कम नहीं हुई हैं, कुछ पोस्ट की कम हो गई हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो टोटल में सीटें बढ़ ही गई हैं, कम नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जिसका सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम दिया गया था वो था KVS PRT का। और इसमें आपको जैसा कि पता था कि जब विज्ञापन आया था तो इसमें सीटें कितनी थी, आप सभी को पता था 5,300 सीटें थी। 5,300 सीटों के लिए विज्ञापन आया था और इसमें काफ़ी ज़्यादा संख्याओं ने आवेदन किया अभ्यर्थियों ने और लोग क्वालिफाई हुए, लेकिन अभी भी वो लोग परेशान है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। तो देखिए, 5,300 सीटों के लिए आवेदन आया था, लेकिन सिलेक्शन कि जो लिस्ट आई है PDF इंटरव्यू लेटर की, उसमें केवल 8,600 लगभग लोगों को बुलाया गया, लगभग 8,600 लोगों को बुलाया गया। ऐसा क्यों हुआ ये सभी के मन में चल रहा था, क्योंकि इससे ज़्यादा बुलाना चाह रही था, ये ऐसा क्यों हो रहा था। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि ऐसा होता है कि 2.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, जो पद होते हैं उसके 2.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद सीटें कम हुई हैं, इसी कारण से इतने कम अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो जो अनुमान था वो लगभग सभी का सही साबित हुआ। और ये देखिए आपके सामने प्रूफ ये रहा आपका, ये देखिए, ये जो प्राइमरी टीचर्स का था PRT का, यहाँ पर देखिए जो सामान्य की थी 1,515 सीटें हो गई हैं, OBC की हो गई हैं 810 सीटें और SC की हो गई हैं 450, ST की 225, टोटल 3,000। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया, पिछली बार सीटें जब विज्ञापन आया था ओरिजिनल इसका, तो कितनी सीटें थी 5,300, लेकिन अब ये सीटें कम होकर 3,000 बची हैं, केवल 3,000 सीटें बची हैं।
इसी वजह से 3000 का 2.5 गुना 8600 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू लेटर के लिए बुलाया गया, इंटरव्यू लेटर जारी किया गया, उनके लिए उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो साथियों सीटों में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया है पीआरटी केवीएस में, इस वजह से कम अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिल पाया है, इसी वजह से कट ऑफ हाई चली गई है और काफ़ी भी प्रॉब्लम और भी हुई थी नंबरों को लेकर, पिछले वीडियो में आपको बताए भी गए हैं। तो साथियों यही सब कारण थे। अब देखा जाए तो जो सिलेक्शन होना है केवीएस पीआरटी का, जो केवीएस पीआरटी का अब सिलेक्शन होना है वो 3000 सीटों पर होना है। तो साथियों इसमें जो अब इंटरव्यू होने वाला है वो बहुत ही टफ होने वाला है। 3000 सीटों के लिए जो इंटरव्यू होना, इसमें लगभग 8600 लोगों को बुलाया गया है, तो इसमें जो इंटरव्यू होने वाला है बहुत ही टफ होने वाला है, मतलब बहुत तगड़ा कंपटीशन इसमें होने वाला है। क्योंकि अब जिन अभ्यर्थियों के नंबर ज़्यादा होंगे उनको इंटरव्यू में कम नंबर लाने होंगे और सीटें कम हो गई हैं अभ्यर्थी के हिसाब से, तो उस हिसाब से काफ़ी कंपटीशन होगा। तो चलिए इससे संबंधित और भी जो आगे अपडेट आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत दी जाएगी। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ तुरंत दी जाती है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।